नमस्कार। हर घर पाठशाला के बारे में कुछ बहुत ही साधारण सी और आधारभूत बातें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी अध्ययनकर्ताओं के लिए यानी कि सभी शिक्षार्थियों के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, आप सबसे पहले एक आदत को विकसित करें कि हर घर पाठशाला की जितनी भी शिक्षण अधिगम सामग्री है उसे हम डायरेक्टली वेबसाइट से एक्सेस कर सकें। ये बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करना है। आप सिंपल अपने फ़ोन के ऊपर जब जाए स्क्रीन पर आते हैं तो आपने अपना नेट ऑन कर देना है। उसके बाद आप अपने गूगल सर्च इंजन में चले जाएंगे, ठीक है, जहां हम कुछ भी टाइप करके ढूंढ के लिखते हैं। वहां आपने लिखना है हर घर पाठशाला या हर घर पाठशाला वेबसाइट। इस तरीके से आप जैसे ही लिखेंगे तो पहले ही पेज में आप देखेंगे कि हर घर पाठशाला का लिंक जो है वो आ जाएगा। अब ये जो हरे कलर में या सॉरी नीले कलर में जो यहाँ पर लिखा है हर घर पाठशाला हिंदी में, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही आप हर घर पाठशाला की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जिससे आपको जानकारियाँ लेनी है। अब इस वेबसाइट में देखिए, आपके सामने सबसे पहले हरे रंग की पट्टी बनी है, उसमें लिखा है छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री यानी बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री। यहाँ पर आप जाएंगे। अब यहाँ पर जाते ही क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज में इस प्रकार से कक्षाओं के जो टैब्स हैं वो खुल जाएंगे 1 से 12 तक। अब आप जो भी कक्षा के छात्र हैं, आप जिस कक्षा की शिक्षण सामग्री देखना चाहते हैं उस कक्षा के टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने पहली कक्षा के टैब पर क्लिक किया और होम पेज में अब पहली कक्षा आ गई और 4 अगस्त का यानी कि जिस दिन की आपने पढ़ाई करनी है उस दिन का सामग्री आ गई। देखिए, गणित की सामग्री है, 2 वीडियो साथ में 1 कार्यपत्रक। वीडियो को देखना है, वीडियो पर क्लिक कर दें। दूसरी वीडियो को देखना है, दूसरी वीडियो पर क्लिक कर दें। और कार्यपत्रक को देखना है तो कार्यपत्रक पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही कार्यपत्रक जो है वो ओपन हो जाएगा गूगल ड्राइव में और अब वहाँ से आप उसे देख पाएंगे। अब आपको यहाँ पर जैसे ही गूगल ड्राइव में आपके सामने कार्यपत्रक खुलेगा, आपको इस कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी में हल करना है और उसकी तस्वीरें खींचकर आपको अपने अध्यापकों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजनी है। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसान है ना ये। इसी प्रकार से अब अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि आप पिछले कल की सामग्री का अध्ययन नहीं कर पाए हैं तो आप क्या करेंगे, नीचे को स्क्रॉल करेंगे और पुरानी सामग्री का एक टैब आ जाएगा और नीचे की तरफ इशारा भी किया होगा। अब देखिए, पुरानी सामग्री यानी कि 31 जुलाई की आ गई, उसके बाद 30 जुलाई का भी सामान इसमें आ गया, 29 जुलाई का आ गया, 28 का आ गया, 27 का आ गया। और देखिए, आप देख सकते हैं इसी प्रकार से ये जहाँ जब से ये योजना शुरू हुई है, जब से हर घर पाठशाला शुरू हुई है उस दिन तक का कार्यक्रम जो है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं, पाठ्य सामग्री देख सकते हैं। अब कोई और बच्चे, एक घर में 2 बच्चे हैं, पहली कक्षा के बच्चे का काम हो गया, आप चौथी कक्षा के बच्चे का काम देखना है तो चौथी कक्षा की टैब पर क्लिक कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से वीडियो जल पड़ेगी और ठीक उसी प्रकार से कार्यपत्रक खुल जाएंगे। अब यहाँ ये इतना समझने के बाद जो इस वेबसाइट में दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको समझने योग्य है वो बात है मस्ती की पाठशाला। इस लॉकडाउन में, कोरोना संकट के समय में, जहां एक ओर आपको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है तो वहीं दूसरी ओर आपको अपने मानसिक शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना है, आपको खेल खेल में सीखना है, पढ़ना है। अब देखिए, कोरोना से बचाव की जानकारी इस कॉमिक में दी गई है। अब इस कॉमिक में ये विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है ताकि वो सुनकर जो है वो इसकी जानकारी ले सकें। अब देखिए, 3 अगस्त की इसमें अगर हम देखें तो, और 2 अगस्त की जो है वो आपको क्या दिया गया है, पुराने ग्रीटिंग कार्ड में सुई धागा गोंद और एक झाड़ू का उपयोग करके एक कलाबाज को बनाएं। ठीक है, तो ये सब आप बना सकते हैं यहाँ से देखकर। ये आपको खेल दिए गए हैं लेकिन ध्यान इतना रखना है आपको कि अगर आपको कभी भी कैंची, सुई या इस प्रकार के किसी भी थोड़े से जो थोड़े खतरनाक सामान है उसका इस्तेमाल करना है तो अपने बड़ों की देखरेख में ही करें। ये विशेष आप सभी के लिए सुझाव है और हिदायत है। देखिए, फिट इंडिया है, अपने शरीर को फिट रखने के लिए आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं, मास्क कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो ये सारी की सारी सामग्रियों को ज़रूर देखें। ये सारी सामग्रियाँ आपको मस्ती की पाठशाला टैब के अंतर्गत देखने को मिलती रहेंगी। मनोदर्पण की बात करें वो मनोदर्पण भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की सामग्री जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी,
हर घर पाठशाला से। तो बच्चों, आप हर घर पाठशाला की वेबसाइट को प्रयोग करने की आदत बनाएं और इसी आदत से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सुरक्षित रहें घर पर, सामाजिक जो दूरी है और सरकार के द्वारा समय समय पर कोरोना बचाव के को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उन्हें माने, अपने माता पिता की सलाह को माने, जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें और इस कोरोना वायरस से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।